श्री शिवाय, श्री शिवाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहां पे शंकर भगवान के दरबार में मैं नमन करूंगा और यहां उपस्थित हमारे सबके पूजनीय आदरणीय जिन्होंने कथा का पूरा सार, भगवान के पूरे एक एक शब्द अपने अमृत वाणी से हमारे सब तक पहुंचाए, ऐसे पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा। आणि मी या ठिकाणी हिंदी मध्ये जाडी बोलणार आहे की एक महत्त्वाची, म्हणजे आज मी आमदार म्हणून नाही एक शिवभक्त म्हणून बोलणार आहे। आणि शिवभक्त म्हणून महाराज जी आपको पता नहीं, मैंने आपको ही बोला नहीं, जब आपने बोला मुझे तपोनेश्वर जाना है, मुझे कोंडेश्वर जाना है और अंबा माता का दर्शन करना है, ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला कि मुझे वहां जाना है। जब मैं आपके साथ गया तपोनेश्वर, तो कल आपने जब शिव भगवान था के पिंड के ऊपर जब एक लोटा पानी डाला और मुझे बोला कि हाथ लगाओ, मैंने सोचा हाथ कैसे लगाओ, आप डाल रहे तो मैं बैठ के बाजू में देखूं, पर आपने बोला मुझे हाथ लगाओ, मैंने वहां हाथ लगाया। उसके बाद तपोनेश्वर की जो गुफा है जिसके अंदर कई तपस्वी महात्माओं ने वहां पे ध्यान किया, और वो आज भी गुफा के अंदर जो पानी था वो पानी के पास जाके आप बैठे, मैं भी आपके पीछे बैठा था, मैंने देखा कि आप 15-20 मिनट से वहां पे बैठ के ध्यान कर रहे, आपकी आंखें बंद है, पर मैंने आपका वहां पे पानी के अंदर हंसते हुए चेहरा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आज तपोनेश्वर की जो भूमि है, मैंने एक बार पलट के भी देखा कि आप ध्यान कर रहे तो ये चेहरा कैसा दिख रहा और जो हंसते हुए दिख रहा, तो मैंने ये सोच लिया कि जो तपस्वी महात्माओं ने वहां पे तपस्या की, एक ऐसा भी महात्मा अपने अमरावती में आया है जो शिव भक्त को भगवान को दिल में लेके शिव जी का नाम लेके तपोनेश्वर जाके पहुंचा है, ये महात्मा है। ये मुझे लगता है वो कथावाचक है, उनमें एक अद्भुत शक्ति है, पर तपोनेश्वर के गुफा के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर जब मैंने चेहरा देखा, वो भी हंसते हुए चेहरा देखा, मैं तभी समझ लिया कि अद्भुत एक शक्ति है जो शक्ति इन सबको खींच के लाई। उसके बाद कोंडेश्वर गए हो, कोंडेश्वर में उन्होंने एक जल लोटा वहां पे चढ़ाया, अंबा माता के दर्शन में गए और मैंने देखा एक छोटा कोई साधु संत भी आए, उनको भी उन्होंने धरती माँ को मस्तक टिका के हर संत का आशीर्वाद लिया, तो मुझे लगता है कि ये संत के रूप में एक अद्भुत शक्ति है, शिव भगवान के माध्यम से अपने बीच में बैठी है, और मैं उनको यहाँ से अभी आज जरूर उनका यहाँ पे विदाई समारोह है, आज उनको शिवर जाके और आगे कथा करना है, पर आपने जो हमको शक्ति दी है, आपने जो हमको ताकत दी है, जो भगवान का एक एक अमृत वाणी आज हमारे कानों में पहुंचा के जो हमें काम करने की शक्ति मिल रही है, उसका पूरा पूरा हम महाराज जी सतुपयोग करेंगे, सत्कार्य करेंगे, और उसके माध्यम से जरूर मुझे लगता है कि आज मैं जरूर विधायक हूं, 3 बार का विधायक हूं, पर मैंने हमेशा संतों के विचारों पर चलने की कोशिश की, संतों को विचारों को हृदय में लेके काम करने की कोशिश की, और मुझे हमेशा कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, कई लड़ाई लड़नी पड़ी, पर हमेशा मैं संतों के सामने झुका, मंदिरों में झुका, भगवान के सामने झुका और जनता के सामने झुका, जनता के सामने एक बार में हजार बार झुका, हर गरीब के सामने झुका, पर कभी नेता के सामने मैं झुका नहीं, ना झुकूंगा।
इसीलिए मुझे सभी बोलते हैं कि रवि राणा एक तरफ और सब नेता एक तरफ, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। जब अच्छा काम करना है, लोगों के दिल में राज करना है, तो नेता विरोध में जाते हैं, पर मैं एक ही काम करता हूं, सदैव जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हर गरीब के दिल में मैं राज करना चाहिए, ऐसा काम मैं करूंगा, इतनी शक्ति भगवान मुझे दे, यही मैं प्रार्थना करूंगा। एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी हमाली काम करते थे कॉटन मार्केट में, आज एक हमाल का बेटा आमदार हुआ, माजी सैनिक की बेटी खासदार हुई। अरे मुझे आज भी पता है, मेरी माँ जब मैं स्कूल में जाता था तो एक एक पैसा जमा करके मेरे लिए स्कूल के लिए कपड़े खरीदती थी। आज मेरी दो बहना है, एक भाई है बड़े। एक गरीब परिवार में टीन के अंदर छह लोगों का परिवार, हम कितने साल रहे बिना चप्पल से स्कूल में गया, और वहां पे महानगर पालिका जो आप अमरावती में जो महानगर पालिका स्कूल है उसमें पढ़ के अगर मैं आमदार बन सकता हूं तो मेरी माँ और बहनों को मैं कहूंगा हर बेटा रवि राणा बन सकता है। कोई चिंता मत करो, शंकर भगवान का आशीर्वाद है, श्री राम भगवान का आशीर्वाद है, बजरंग भोली का आशीर्वाद है। आज जिस आस्था के साथ ये हमारी सभी महिलाएं माता बहनें अगर कुछ आशा लेके आई है, आकांक्षा लेके आई है कि हमारे घर में भी खुशहाली आए, हमारे घर में भी मेरा बेटा नौकरी पे लगे, मेरा बेटा उन्नति करे, पर एक ध्यान में रखो, अगर रवि राणा अगर एक झोपड़ी में पैदा हुआ है तो हर माँ का बेटा रवि राणा बन सकता है, बन सकता है। वो शक्ति भगवान में है और वो ताकत भगवान में है। भगवान की अगर अपन प्रार्थना करते उसको पूछते तो जरूर सबका भला करेगा। और भगवान से प्रार्थना मैं इतनी करूंगा कि आज सब लोगों ने देखा महाराज जी के साथ में था, मैं स्टेज पे आया, मेरे घर पे और रुके, पर एक ध्यान रखो, मैं महाराज जी को भी बोलूंगा आप में जो अद्भुत शक्ति है, जितना पुण्य मुझे मिला है वो सब पुण्य इनको बांट दो, और आखिर में कुछ बचेगा तो मुझे देना। मुझे भगवान ने इतनी शक्ति देना चाहिए कि जब सुबह मैं बैठता हूं घर पे, कोई माँ आती है कि मुझे मदद चाहिए, कोई बहन आती है मुझे मदद चाहिए, कोई आदिवासी परिवार में मेलघाट में जाके जब झोपड़ी में मैं खाना खाता हूं वास होता हूं, उसको मदद करने की भी ताकत भगवान मुझे दे, यही प्रार्थना मैं करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है पैसे वाले बहुत है, कोरोना के समय मैंने देखा महाराज जी ऑक्सीजन लेने के लिए भी पैसे देते थे तो ऑक्सीजन मिलता नहीं था, अरे बेड खरीदने वाले हजारों थे बेड नहीं मिल रहा था, दवाई नहीं मिल रही थी, पैसा बाजू में रह गया था, सिर्फ भगवान साथ में था, जो बच गए वो गरीब भी थे पैसे वाले भी थे, पर पैसा काम में नहीं आया, ये भगवान की लीला थी। और मैं पैसे वालों को भी कहूंगा कितना भी तुम बचा लो, कितनी भी तुम तिजोरी भरो, बैंक बैलेंस करो, कोई भी साथ में लेके जाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, सब यहीं पे छोड़ना है। और मैं उनका धन्यवाद दूंगा अगर एक किलो चावल भी या अन्नकूट में जिसने दिया होगा, जिसने ब्लैंकेट बांटा होगा, जिसने दवाई बांटी होंगी, दूध बांटा होगा, उसके पास सौ गुना आएगा, ये ध्यान रखना। ये शक्ति इस मंडप के अंदर है। कई लोग सोचते कि थोड़ा सा अगर गरीबों को बांट दिया तो मेरे बच्चे की थोड़ी संपत्ति कम हो जाएगी। अरे एक घर में एक बेटा अगर खराब गिर गया, खराब निकल गया तो पूरे संपत्ति के ऐसी की तैसी कर डालता हूं। तो कई बेटों को अपनी जरूरत है, उनको मदद करना चाहिए। कई माओ को रवि राणा जैसे बेटे की जरूरत है, उसका बेटा बनना चाहिए। कई बहने हैं जिसको रवि राणा जैसा भाई चाहिए, उसका भाई बनना चाहिए और उसको मदद करना चाहिए। ये शक्ति भगवान ने हर युवाओं के इसमें देना चाहिए, हर काम करने वाले व्यक्ति के पास देना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे एक ही कहूंगा कि मेरे को भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं हर गरीब के, हर दुखी के,
हर संकट में रहने वाले हर व्यक्ति के मैं काम आऊं और उसके हमेशा उसके चेहरे पे हंसी लाऊं, उसके आंखों के आंसू पोंछूं, यही भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। और नवनीत राणा ने जो कहा है कि मेरे खासदार की का जो पगार है, उन्होंने तो बोला, पर आमदार की का भी उन्होंने बोला, पर मैं आमदार की का पगार ऐसे दूंगा नहीं, क्योंकि आमदार की का जो पगार है, हमारी महिलाएं वहां पे जाती है तो एक कंकर अगर खुद के लिए लाती है तो एक कंकर रवि राणा के लिए भी लाना पड़ेगा। और वो एक एक कंकर से, शिवर से जो कंकर लाएंगे, वहां भी गुफा के मैंने दर्शन किए, वहां भी मैंने जो एक कंकर का एक बड़ा पत्थर है उसके भी मैंने दर्शन किए, तो मुझे भी लगा कि इस भूमि के अंदर एक शक्ति है। उस कंकर से जहां महाराज जी बैठे वहां शंकर का मंदिर बनेगा। उस कंकर से महाराज जी जो बैठे उसका मंदिर बनेगा। और महाराज जी से जाते जाते एक ही मांगूंगा कि जिस गद्दी पे आप बैठे, जो तकिए पे आप साथ में लेके बैठे, वो हमारे लिए छोड़ देना। ये हमारी विनंती है। और जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन आपके हाथ से एक लोटा जल जरूर डालेंगे और उसमें एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत ताकत निर्माण करेंगे, यही मैं प्रार्थना करूंगा। और यहाँ पे सभी हमारे जो कार्यकर्ता है, जो शिव भक्त है, जिन्होंने अहोरात्र मेहनत किया, ये रवि राणा या नवनीत राणा के बस का काम नहीं है, ये शिव भक्तों ने करा के लिया, शंकर भगवान तो ने करा के लिया। कई लोग यहाँ बोलते कि रवि राणा और नवनीत राणा ने किया, ये नवीन रवि राणा नवनीत राणा ने किया, ये शंकर भगवान ने करा के लिया, बजरंगबली भगवान ने अपने से करा के लिया। और ये सभी भक्तों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नाम लेना छूट गए होंगे, वो सभी भक्तों का मैं दिल के गहराई से धन्यवाद दूंगा। यहाँ के अमरावती के शहर के सीपी नवीन चंद्र जी रेड्डी, उनका मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि पुलिस विभाग के तरफ से नवीन चंद्र जी रेड्डी, उन्होंने कम से कम महाराज जी कार्यक्रम होने के पहले 10 बार यहाँ के आके गए। और उन्होंने मेरे को कहा, मैं महाराज जी को मिल नहीं रहा हूं पर मैं उनका दूर दूर से दर्शन ले रहा हूं। डिविजनल कमिश्नर निधि पांडे मैडम, वो भी मुझे कही कि मैं महाराज जी का दूर से मैंने दर्शन ले लिया। कलेक्टर साहब ने मुझे यही कहा, मनपा आयुक्त ने कहा, कई यहाँ पे प्रशासकीय यंत्रणा काम कर रही है गुरु जी, सबने आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन लिया, अपना काम किया, वही सबसे बड़ा उनका दर्शन हो गया। और यहाँ पे बैठे हुए सभी को मैं कहूंगा, जब घर के अंदर हम जाते हैं तो चौखट को हाथ जोड़ के अंदर एंट्री करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के चौखट को भी अपन हाथ लगा के दर्शन लेते हैं। इसी तरह इस मंडप की जो चौखट है उसको, उसके अंदर जितने बैठे और जितने बाहर बैठे अंदर आके चौखट का दर्शन कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपन गुरु जी का दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो रवि राणा नजदीक है तो रवि राणा ही दर्शन कर रहा, ऐसा नहीं है। या और ये मंच पे रुके हैं सब लोग यही दर्शन कर रहे हैं, मतलब इनको ही पुण्य मिल रहा, ऐसा नहीं है। यहां जिन्होंने जिन्होंने कथा का लाभ लिया वो सभी इस पुण्य के भागीदार है और इस सभी को पुण्य मिलने वाला है। और मैंने बोल ही दिया, मेरे को ज्यादा पुण्य दिया होगा तो सब इनको दे दो, कुछ बचेंगे तो मेरे को थोड़ा दे देना। तो यहां पे मैं पुनश्च गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्होंने आज कथा का आखिरी का दिन है यहाँ का, और मैं उनसे वादा लिया है कि अगले साल भी हमको तारीख देंगे, चाहिए ना तारीख। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। और गुरुजी ने कहा, मैंने भी कहा, नवनीत ने भी कहा, बजरंग बोली के हनुमान गढ़ी पे सिर्फ 1 रुपए देना है, जो 11 रुपए देगा उसके पैसे बजरंग बली को नहीं चाहिए, ना मेरे को चाहिए ना वो संस्थान को चाहिए।
एक रुपया इसलिए चाहिए वो भी अष्टधातु का, कि उसका जो फाउंडेशन है, उसके जो पैर है, हम रहे ना रहे हमारा एक रुपया भगवान के पास रहना चाहिए, वो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को पूरा करना है। यही विनंती करूंगा और सभी का यहाँ पे हाथ जोड़ के दर्शन करके